हेलो दोस्त, कैसे हो? आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो कि मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, और उस कहानी से तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस कहानी को तुम पूरा ज़रूर सुनना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ये थोड़ी पुरानी बात है। एक बार क्या हुआ कि एक किसान के मन में अमीर होने की इच्छा जागी। वो अमीर होना चाहता था, तो उसे कहीं से पता चला कि उसके गाँव में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। तो वो गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु मुझे अमीर होना है, आप अमीर होने का कोई तरीका बताइए। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस किसान को नदी के किनारे ले जाते हैं। नदी के किनारे बहुत सारे कंकर थे, आपने देखा होगा कि नदी किनारे बहुत सारे कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं। तो गौतम बुद्ध वो पत्थर उसे दिखाते हुए कहते हैं कि इन पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा है जिससे अगर तुम किसी भी चीज़ को छुओगे तो वो सोना बन जाएगा। तब वो किसान पूछता है कि प्रभु मैं पहचानूंगा कैसे? तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि वो जो पत्थर होगा ना, वो दूसरे पत्थरों की तुलना में ज़्यादा गर्म होगा। जब तुम उसे छुओगे तुम्हें थोड़ा गर्माहट महसूस होगा। उसी समय वो किसान उस पत्थर को ढूंढने के लिए लग जाता है। वो पत्थर उठाता है, अपने हथेली पर रखता है और महसूस करता है कि ये गर्म है कि नहीं, और फिर उसे ऐसे नदी में फेंक देता है। ठीक है, फिर वो पत्थर उठाता है, हथेली महसूस करता है, फिर वो नदी में से फेंक देता है। ये प्रक्रिया वो चलता रहता है, और ये प्रक्रिया करते करते उसे महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, पर उसे वो पत्थर नहीं मिलता है। पर वो हिम्मत नहीं हारता और वो सेम प्रक्रिया करते रहता है। वो पत्थर उठाता है, हाथ में महसूस करता है गर्माहट, और उसे फेंक देता है। ऐसे करते करते एक साल निकल जाता है, दो साल निकल जाता है, और अंततः तीसरा साल में जाकर उसे वो पत्थर मिल जाता है। और पत्थर मिलने के बाद दोस्त किसान बहुत खुश होता है और अपने परिवार का सारा शौक जो भी उसे करना था वो सारा चीज़ पूरा करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, सबसे पहले वो टारगेट, वो गोल सेट करना चाहिए। जब टारगेट और गोल सेट हो जाए उसके बाद हमें एक प्लान बनाकर निरंतर उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करना चाहिए, और तब तक मेहनत करते रहना चाहिए जब तक कि हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, वो हमें अचीव ना हो जाए, हमें मिल ना जाए। बीच में हमें थकना नहीं चाहिए और पूरे एनर्जी के साथ अपने टारगेट की ओर, अपने गोल की ओर हमें बढ़ना चाहिए। दोस्त, आपके जीवन में भी कुछ गोल होगा, कुछ टारगेट होगा, तो आप भी एक प्लान बनाकर उसे पाने के लिए लग जाइए और एक ना एक दिन आप उसे ज़रूर पा लेंगे। आशा करता हूँ दोस्त कि यह कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्त, अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी आपके मित्र को, किसी आपके फ्रेंड को ज़रूरत है, उसे मोटिवेशन का ज़रूरत है, तो उसे ज़रूर भेजें ताकि उसका भी कुछ मदद हो पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।